हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे सवाल आता है। और साथ ही में एजिल मॉडल के साथ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, पता है ना सबको? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपका फेवरेट टॉपिक है फेमिनिज्म। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो फेमिनिज्म से रहने वाले हैं, और तैयार रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आज चैलेंज की तरह होंगे। उन क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है, इसीलिए मैंने आप लोगों को वो सवाल दिए हैं। कल का जो सवाल था, व्हाट आर द प्राइमरी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्ट ऑफ साइबर फेमिनिज्म, तो काफी सारे लोगों ने इसका आंसर बताया, लेकिन सही आंसर जो है वो किसी ने नहीं बताया। किसी ने कहा कि डोना हारावे जो थे उनसे स्टार्ट हुआ था, किसी ने कुछ कहा मतलब, लेकिन मैंने पूछा था कि साइबर फेमिनिज्म जो था, ठीक, उसके पीछे कौन से कारण थे, क्या कारण था। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो थे वो नजर आते थे, ठीक है। तो ये सबसे पहला कारण था कि इनहेरेंटली मैस्कुलाइन नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नो साइंस माना जाता था। मतलब ये माना जाता था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये केवल पुरुषों के लिए ही बनी हुई है। सबसे पहला कारण ये था कि भाई जेंडरिफिकेशन हो गया था उसका। मतलब ये माना जाता था कि जो साइबर वर्ल्ड है ना, वो तो मैन का वर्ल्ड है, ये शुरू से तय कर दिया गया था, ठीक। तो साइबर फेमिनिज्म का सबसे बड़ा कारण 1960 में जो फेमिनिस्ट इसमें कूदी, जो महिलाएं इसमें कूदी, ये कहा जाने लगा कि ये पुरुषों की बपौती है। बात समझ में आई, पुरुषों की बपौती है। और ये बात सुन करके हमारे भारत की महिलाओं को ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने बोला कि अरे यार पुरुषों की बपौती, और लिख डाली किताब साइबर फेमिनिज्म पे। दो तीन महिलाओं ने लगातार किताबें लिखना शुरू कर दिया। यानी मैस्कुलाइन नेचर, जो हमारे मन में एक भ्रांति थी कि ये मैस्कुलाइन यानी मर्दानगी से संबंधित है, मर्द लोग ही कंप्यूटर चला सकते हैं। और दूसरा ये माना जाता था, एक काउंटर मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ था, ट्वाइज फॉर बॉयज। जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी थी वो ये माना जाता था कि ये खिलौना तो केवल लड़कों का है, और मुंह तोड़ जवाब दिया महिलाओं ने जब महिलाएं इस फील्ड में कूदी, ठीक है। तो फिर आप जानते ही हैं कि क्या तबाही आई। फिर उसके बाद बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को फेमिनिज्म वाला वीडियो पढ़ा चुका हूं, तो अगर अभी तक फेमिनिज्म वाला लेक्चर नहीं देखे हो, ठीक है, तो जल्दी से देख लो। और अगर नहीं देखे हो तो बताओ कौन कौन ने अभी तक फेमिनिज्म वाला पूरा लेक्चर नहीं देखा है, उसमें पूरा फेमिनिज्म आपको समझ में आ जाएगा। उसमें फेमिनिज्म का आपको सीक्वेंस समझ में आ जाता है, उसमें फेमिनिज्म के जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स में जो थिंकर्स हुए हैं वो समझ में आते हैं, ठीक। किस किसने नहीं देखा है वो मेरे को एक बार जरा बता दो, देख लें इसमें कौन कौन ऐसे महानुभाव हैं, जो फ्री लेक्चर को भी देखने के लिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अरे भैया देख लो, ठीक। और गुलशन अख्तर मैडम, आपकी फेवरेट मैडम है, आप सभी लोग बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, मोस्ट ऑफ द क्या 100% स्टूडेंट जो है, मुझे बताते हैं कि गुलशन मैम जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाती है, और साथ ही में टीचिंग एप्टीट्यूड भी। तो उसी से रिलेटेड आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में कौन कौन सी वो ट्रिक है जिसके जरिए आप उनको फॉलो करके फुल मार्क्स ला सकते हैं रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड में। अच्छा, रितु कह रही है कि सर मैंने नहीं देखा, ठीक। ओ माय गॉड, पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि उन्होंने भी नहीं देखा, तो किसके स्टूडेंट हो तुम लोग। विराट कह रहे हैं कि सर मैंने भी नहीं देखा, अरे विराट ये तो गलत बात है बेटा। काजल कह रही है कि मैंने नहीं देखा, अरे बाप रे बाप, मतलब ज्यादातर आप में से लोग मैंने नहीं देखा वालों में हो। अरे तो देखो भाई इसको, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का। और 2 सितंबर को शाम को 8 बजे गुलशन अख्तर मैडम जो हैं वो मेगा वर्कशॉप लेने वाली हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पर, रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब पे और टीचिंग एप्टीट्यूड पे, तो उसे जरूर से देखिएगा, रजिस्टर कर लीजिए। ये जो 3 बिंदु दिख रही है ना ब्लू कलर की बैंड में, जहां पे लिखा है बायजूस एग्जाम प्रेप यूजीसी नेट जेआरएफ एंड ऑल सेट एसईटी, सब कुछ सेट हो गया है।
तो जो तीन बिंदु है ना व्हाइट कलर की, उस पर क्लिक करो, वहां पे आपको फॉर्म मिलेगा, उस पर फॉर्म पे जाओ और भर दो फॉर्म। और जितने लोग स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, भारी डिस्काउंट मिल जाता है स्कॉलरशिप टेस्ट देने पे, ठीक है। उसमें रैंक ऑर्डर रहता है, जो हायर रैंक में आते हैं बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक। तो उस स्कॉलरशिप को अगर चाहते हो कि आपको मिल जाए तो क्या करना होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट दो, टेलीग्राम ग्रुप पर आओ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उसका लिंक मिल जाता है, टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप पे कैसे आ सकते हो, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सोनकर, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस। इसे सर्च कर लो, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, ठीक है, और आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं टेलकट पार्सन के सोशल सिस्टम और एजाइल मॉडल से। जब टेलकट पार्सन की बात आती है तो ये कहते हैं सोशल सिस्टम एक एक्शन थ्योरी का पार्ट है, यानी क्रिया सिद्धांत का एक भाग है, ये बहुत अच्छी तरह से याद रख लेना। क्या है, एक्शन थ्योरी का पार्ट है सोशल सिस्टम, मतलब एक्शन थ्योरी बहुत बड़ी है, उसका एक छोटा सा पार्ट है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम बनता कैसे है, टेलकट पार्सन कहते हैं सोशल सिस्टम जो है वो रोल एक्शन से बनता है, यानी जब हम लोग अपनी भूमिकाएं निभा रहे होते हैं समाज के अंदर, ठीक है, भूमिकाएं निभा रहे होते हैं समाज के अंदर। भूमिका क्या होती है, जो आपका स्टेटस होता है, जो आपकी पोजीशन होती है, जो आपकी पद होती है। जैसे अगर आप फादर हैं तो अपने बेटे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटी के प्रति जो भूमिका निभाते हैं, जो कार्य करते हैं, उसे हम रोल कहते हैं। और ये कहते हैं ये पूरा रोल एक्शन से मिल करके एक सोशल सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, सोशल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सामाजिक प्रणाली या सामाजिक व्यवस्था। स्कॉलरशिप टेस्ट आज 11 बजे से शुरू होगा, ठीक है, 12 बजे या 11 बजे से शुरू होता है वो, आप देख लीजिएगा, टाइमिंग में मुझे थोड़ा संदेह है, ठीक है, 11 या 12 बजे टेस्ट शुरू होता है, हम लोग इस कोशिश करेंगे कि 11 बजे के पहले पहले इसको खत्म कर। सोशल सिस्टम सबसे पहली बार किसने दिया है, मिशेल ने कॉन्सेप्ट ये डिस्कस किया था, ठीक। ये क्या कहते थे, इट कंसिस्ट ऑफ प्लूरलिटी ऑफ एक्टर इंटरेक्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ ईच अदर इन अ बाउंडेड सिचुएशन। एक बाउंडेड सिचुएशन के अंदर जब एक्टर और ऑल्टर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी प्लूरलिटी ऑफ एक्टर मतलब कि बहुत सारे लोग आपस में एक बंधे हुए परिस्थितियों के अंदर जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, संचार स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसे मिशेल ने क्या कहा है, मिशेल ने सामाजिक प्रणाली या सामाजिक व्यवस्था कहा है, ठीक है। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संपर्क करने वाले कर्ताओं की बहुलता को सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं मिशेल। टेलकट पार्सन क्या कहते हैं समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, रॉबर्ट मिशेल ने सबसे पहली बार डिफाइन किया। टेलकट पार्सन वॉज फर्स्ट टू फॉर्मुलेट अ सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम। सबसे पहली बार समाजशास्त्र के अंदर किसने सोशल सिस्टम को बहुत सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया है, सिस्टमैटिक थ्योरी दी है, तो सिस्टमैटिक थ्योरी देने का काम किया है टेलकॉट पार्सन ने। डेफिनेशन सबसे पहली किसने दिया समाजशास्त्र में, मिशेल ने, याद रखिएगा, विच ही डिड एज अ पार्ट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन एंड एजाइल पैराडाइम। तो एजाइल पैराडाइम क्या है, एजाइल पैराडाइम जो है उनके सोशल सिस्टम का ही पार्ट है। यानी सोशल सिस्टम किससे बनता है, जब आप एजाइल पैराडाइम को फॉलो करते हो, ठीक है, तब क्या बन जाता है, एक सोशल सिस्टम बन जाता है। ही डिफाइंड सोशल सिस्टम एज ओनली अ सेगमेंट ऑफ व्हाट ही कॉल्ड एक्शन थ्योरी। सोशल सिस्टम क्या है, एक बड़े पार्ट का एक छोटा सा एक्शन जो होता है, ये पूरा एक्शन है, इसका एक छोटा सा हिस्सा है सोशल सिस्टम, ये टेलकॉट पार्सन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, इट इज अ सब सिस्टम, ठीक, इट इज अ सेगमेंट। टेलकॉट पार्सन सामाजिक व्यवस्था के एक व्यवस्थित सिद्धांत तैयार करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सामाजिक क्रिया और एजिल प्रतिमान के सिद्धांत के एक भाग के रूप में बताया है कि भैया सोशल सिस्टम इनका एक भाग होता है, क्योंकि सोशल सिस्टम इससे बनता है, ना कि सोशल सिस्टम से एक्शन क्रियाएं बनती हैं, ठीक। उन्होंने एक सामाजिक प्रणाली को केवल एक भाग माना है, सामाजिक व्यवस्था को केवल एक भाग के रूप में परिभाषित किया है, ना कि संपूर्णता के रूप में, ठीक है।
और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं, याद रखिएगा ये बात, तो जाइएगा नहीं। ही डिफाइन सोशल सिस्टम एज अ नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स, नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स, नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स, बार बार बोल रहा हूं मैं, कर्ताओं के बीच अंतःक्रिया के एक नेटवर्क, एक समुच्चय, एक जाल के रूप में बताते हैं सामाजिक व्यवस्था को, परिभाषित करते हैं कि दो कर्ताओं, दो या दो से अधिक कर्ताओं के बीच में एक बंद परिस्थितियों के अंदर जो नेटवर्क व्यवस्था होती है, जो रोल निभाते हैं लोग अपना, उसे क्या कहते हैं, उसे सोशल सिस्टम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्सन सोशल सिस्टम रिलाय ऑन सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज अगर नहीं होगा तो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके यहां शक्कर खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, ठीक है, शुगर खत्म हो गई, आपको चाय बनाना है, तो आप क्या करते हैं, आप दुकान जाते हैं, दुकानदार से बोलते हैं कि भैया मुझे चीनी दे दो, शक्कर दे दो, शुगर दे दो, जो भी आपकी भाषा होती है, जो भी लैंग्वेज होती है उसमें आप बोलते हैं, दुकानदार समझ जाता है एक परिस्थिति होती है जिसमें आपके यहां शक्कर खत्म हो गई, दुकानदार को शक्कर बेचना है, यानी एक खरीदने वाला है, दूसरा बेचने वाला है, एक बंद परिस्थिति के अंदर ये इंटरेक्शन हो रहा है। अगर दुकानदार के पास शक्कर होती है, शुगर होती है, चीनी होती है, तो वो आपको दे देता है, यानी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए आप हिंदुस्तान के अंदर है, बिल्कुल गांव के अंदर है, और आप चाइना की लैंग्वेज बोलते हैं आप, तो क्या वो लोग समझ पाएंगे, क्या वो आपका इंटरेक्शन कंप्लीट हो पाएगा, तो इसे ही सोशल सिस्टम नहीं मानते हैं टेलकट पार्सन, ठीक है। तो कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज हमारे कल्चर का एक पार्ट है, लैंग्वेज जब हम सीख रहे होते हैं इसका मतलब हम अपने कल्चर भी सीख रहे होंगे, तो दो चीजों से मिलकर के सोशल सिस्टम सार्थक हो पाता है, मीनिंगफुल हो पाता है, वो है लैंग्वेज एंड कल्चर। तो किसने बताया है कि सोशल सिस्टम जो है इज मीनिंगफुल, बिकॉज ऑफ ओनली टू थिंग्स, दे आर लैंग्वेज एंड कल्चर। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो टेलकट पार्सन कहता है भैया सामाजिक व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। एक ऑर्डर को बनाने के लिए सोशल सिस्टम बनाना जरूरी है, ठीक। एक्शन, एक्शन क्या होता है, एक्शन टेलकट पार्सन कहते हैं डज नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में एक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि टेलकट पार्सन कहता है कि आप, मतलब आइसोलेशन का मतलब यहां पर यह है कि आप बिना कुछ सोचे समझे एक्शन नहीं करते, आप सोच समझ के ही कोई एक्शन करते हैं, उसे ही एक्शन कहते हैं। अगर कोई पागल व्यक्ति यूं यूं तारे गिन रहा है तो उसको एक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है तो उसके अंदर एक ओरिएंटेशन है, एक मोटिवेशन है, एक सोच के साथ, एक लक्ष्य के साथ वो मेडिटेशन कर रहा है अकेले बैठ के, उसका मीनिंगफुल एक्शन है, उसे एक्शन कहा है टेलकट पार्सन ने, ठीक है। जब वो तारे गिन रहा होता है तो वो आइसोलेशन में होता है, वो समाज के लैंग्वेज और कल्चर के अनुसार नहीं कर रहा होता है, क्योंकि तारे गिनना कोई अच्छी बात थोड़ी है, बैठ के आप गिन रहे हो तारे, यार कितने हैं कितने हैं कितने हैं, दैट इज नॉट, वो तो पागलों वाली बात हो गई, ठीक है। इट इज नॉट एम्पायरिकली डिस्क्रीट बट अकर्स इन कॉन्स्टलेशन, एम्पायरिकली डिस्क्रीट हो सकता है, देखिए तो मेडिटेशन जो है वो एम्पायरिकली डिस्क्रीट है, बट इट अकर्स इन कॉन्स्टलेशन विच कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम, दीज कॉन्स्टलेशन ऑफ एक्शन कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम, यही जो एक्शन से, जब इन एक्शनों का समूह बन जाता है, बात समझ में आ रही है, जब ये एक्शन, जब ये इन क्रियाओं का समूह बन जाता है तो एक सिस्टम तैयार हो जाता है। दीज सिस्टम एक्शन हैव थ्री मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच पार्सन डिस्क्राइब एज, अब ये जो एक्शन है ये, इसके तीन मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अभी आएंगे उस पर। पार्सन के अनुसार क्रिया अलगाव में नहीं घटती है, समान रूप से असतत नहीं है, लेकिन समूह में होती है, जो प्रणाली का गठन करती है, ये क्रिया के समूह प्रणाली का निर्माण करते हैं। यानी व्यवस्था कैसे बनती है, प्रणाली मतलब होती है व्यवस्था, व्यवस्था कैसे बनती है, व्यवस्था क्रिया के समूह से बनती है। अब जाति प्रथा को व्यवस्था माना जाता है समाज में, ये व्यवस्था बार बार आपने सुना होगा पॉलिटिशियंस के नाम मुंह से कि ये एक व्यवस्था है, यानी व्यवस्था क्या है, क्रिया का समूह है, यानी एक जाति दूसरी जाति के साथ किस तरह की क्रिया कर रही है, लिखित में है, मीनिंगफुल है, इसीलिए वो इट इज अ एक सोशल सिस्टम, इसीलिए वो सामाजिक व्यवस्था है। क्रिया की इन प्रणालियों में संगठन के तीन तरीके हैं, पार्सन ने बताया है कि क्रिया कैसे होती है, क्रिया में क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, सोशल सिस्टम किस किस चीज से बनता है, तो पर्सनैलिटी सिस्टम से बनता है, कल्चरल सिस्टम से बनता है,
और सोशल सिस्टम से बनता है, व्यक्तित्व प्रणाली से भी बनता है, सांस्कृतिक प्रणाली से भी बनता है, सामाजिक प्रणाली से भी बनता है। यानी जो आपका सोशल सिस्टम है वो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उससे पूरी तरह से प्रभावित होता है। बात समझ में आ रही है? आपके पर्सनैलिटी सिस्टम से भी सोशल सिस्टम बनता है, यानी पर्सनैलिटी सिस्टम, कल्चर सिस्टम, सोशल सिस्टम, इन तीन चीजों को मिलाकर के हमारी पूरी क्रिया सिस्टम बनता है। एक्शन थ्योरी उनकी यही कहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सिस्टम अकॉर्डिंग टू है पर्सन हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, इट इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन। इंटरैक्शन बार बार बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पर्सन के अनुसार सामाजिक प्रणाली निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, तो क्या है सबसे पहली बात? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया अकेले हो सकती है क्या? इंटरेक्शन कभी भी अकेले नहीं हो सकता, यानी दो से दो एक्टर तो जा, दो या दो से अधिक एक्टर होने चाहिए, टू और मोर एक्टर होने चाहिए। सबसे पहली सिचुएशन। सेकंड है कि भैया हमेशा एक बॉन्डेड सिचुएशन में ही होता है एक्शन, याद रखिएगा। एक्शन कैसे होता है? एक बाउंडेड सिचुएशन में। सोशल सिस्टम कैसे होता है? बाउंडेड सिचुएशन में काम करेंगे। सिचुएशन क्या थी जब चीनी खत्म हो गई थी? एक बाउंडेड सिचुएशन थी कि आपके यहां शक्कर खत्म हो गई है, आपके यहां चीनी खत्म हो गई है, आपके यहां शुगर खत्म हो गई है, आप दुकान जाते हैं। इन परिस्थितियों ने आपको फोर्स किया, प्रेशर, दबाव डाला, एक परिस्थिति बनती है। आप कहां जाते हैं? आप मार्केट में जाते हैं। मार्केट में ऑलरेडी एक परिस्थिति बनी हुई है, एक आदमी बेचने वाला है और एक आदमी खरीदने वाला है, एक परिस्थिति बन गई, एक बाउंडेड सिचुएशन तैयार हो जाती है। ठीक है, तो सिचुएशन में होता है। और देयर एग्जिस्ट इन अ सोशल सिस्टम कलेक्टिव गोल ओरिएंटेशन और कॉमन वैल्यूज एंड कॉमन कॉन्सेंसस। ठीक है, तो एक तो हो गई सिचुएशन, एक सबसे पहला क्या हो गया? सबसे पहला हो गया कि भैया इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होगा। दूसरा सिचुएशन, तीसरा कलेक्टिव गोल ओरिएंटेशन, यानी सामूहिक लक्ष्य अभिविन्यास होता है। ठीक, परिस्थिति, ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से। ये सोशल सिस्टम है। अब एजिल मॉडल जो है वो सोशल सिस्टम, एजिल मॉडल जो है वही सोशल सिस्टम बनाता है। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर अडेप्टेशन, याद रखिएगा। ए का मतलब होता है अडेप्टेशन, मतलब अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? धरती के अंदर जब इंसान पैदा हुआ होगा, सबसे पहला काम उसने क्या किया होगा? उसको भूख लगी होगी तो उसने प्रोड्यूस किया होगा। यानी वो जब धरती पे आया होगा तो इस धरती के अंदर अनुकूलन बिठाया होगा। इस धरती के अंदर अनुकूलन बिठाने के लिए क्या किया होगा? इकोनॉमी के पास गया होगा, यानी सबसे फॉरमोस्ट बेसिक यूनिट होता है प्रोडक्शन, यानी कि इकोनॉमी। आप धरती में पैदा होते हैं, आपको सबसे पहले अपने खाने का इंतजाम करना पड़ता है, नहीं तो आप मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। सबसे पहला वर्ड अनुकूलन, अडेप्टेशन। सीक्वेंस में भी यही क्रम रहेगा। दूसरा ये कहते हैं कि गोल अटेनमेंट, पूरा का पूरा जो समाज है हमारा वो एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य सबसे पहला है अनुकूलन, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन अनुकूलन में क्या आता है? अनुकूलन में आता है अर्थव्यवस्था, याद रख लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, घोट कर पी जाइए, ये सवाल इस बार आने वाला है। तो हमारा लक्ष्य कौन प्राप्त करवा रहा है? राजनीतिक व्यवस्था, याद करो, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था याद करो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं यहां से हट जाता हूं ताकि आप लोग जो हैं उस डायग्राम को अच्छी तरह से देख पाएं। तो थोड़ी देर के लिए मुझे अपने आप को यहां से चले जाना है। ठीक, अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये डायग्राम अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस, तो ए फॉर क्या होता है? अडेप्टेशन। एप्पल नहीं होता है अब हमारे लिए, अब हम लोग बड़े हो गए। ए फॉर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। जी फॉर गोल अटेनमेंट, गोल अटेनमेंट कौन करता है? हमारी राजनीतिक व्यवस्था करती है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, यानी पॉलिटी। ठीक, हमारे समाज किस तरफ जाएगा, कौन तय करते हैं? हमारे समाज के पॉलिटिशियंस तय करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स,
कोई कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं फेमिनिज्म टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो कोई भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से, समझ गए। तो सबसे फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रेट कौन करता है, हमें सॉलिडेरिटी कौन लाता है हमारे समाज में। इमैनुअल दुर्खाइम याद है, इमैनुअल दुर्खाइम क्या कहते हैं कि धर्म जो होता है, रिलीजन जो होता है, रिलीजन हमारे यहां सॉलिडेरिटी लाता है, यानी लोगों को इंटीग्रेट करके रखता है। आई फॉर इंटीग्रेशन। एल क्या है, एल का मतलब है लेटेंसी। अरे नहीं दिख रहा है तो बेटा एक काम करो, आप क्वालिटी बढ़ाओ। क्वालिटी जो है वो तीन बिंदु दिख रही ना ऊपर राइट साइड में, उस पर क्लिक करो, उसमें आ जाएगा क्वालिटी। क्वालिटी इंक्रीज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो मेंटेन कौन कर रहा है हमारे समाज को, हमें समाज में रहने लायक कौन बना रहा है, हमें समाज में रहने लायक वो चीजें बनाती हैं कौन कौन सी हैं, वो फैमिली मैरिज किनशिप, ठीक। फैमिली मैरिज किनशिप हमें रहने लायक बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लेटेंसी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी यही याद रखेंगे। अब मैं वापस आ रहा हूं, मिस्टर इंडिया से वापस आ जाइए। यस दैट्स ग्रेट, चलिए ठीक है। तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे, कौन करता है, राजनीतिक दल वगैरह करते हैं। निर्धारित कौन करता है, राजनीतिक दल करते हैं। एकीकरण धर्म करता है। लेटेंसी मतलब विलंबता कौन करता है, परिवार, नातेदारी, नेबरहुड, ये सब करते हैं, ठीक। आ जाइए बहुत जिसका आपको बेसब्री से था इंतजार, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फेमिनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए, वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने अभी तक किया नहीं है। लेकिन पहले जल्दी से जरा शेयर करके आओ क्लास को, जल्दी से शेयर करके आओ क्लास को फटाफट से सब जगह, फिर उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट होगा। और देखो भाई, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं तो घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि डर के आगे ही तो जेआरएफ है। क्या डरना है, डर के किसने क्या पा लिया है, ठीक है। तो डर जो है उसको हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, डर कंट्रोल के बाहर नहीं जाना चाहिए। एक बार पूरी सेना खड़ी थी लड़ने के लिए, युद्ध बिल्कुल युद्ध मैदान में सब लोग खड़े हुए थे, और चाणक्य से चंद्रगुप्त ने बोला कि उनकी सेना बहुत बड़ी है, सामने जो धनानंद है उसकी सेना बहुत बड़ी है। तो चाणक्य से चंद्रगुप्त ने बोला कि यार हमारी सेना बहुत डरी हुई है, उनकी सेना बड़ी हुई है। चाणक्य ने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि आपकी सेना डरी हुई है, डर जो है हमें जीने के लिए प्रेरित करता है, ठीक। उस डर का मुकाबला ही तो करना है हमें, और डर को अभ्यास, प्रैक्टिस, और डर जो है कॉन्शियसनेस बढ़ाता है। अच्छा मेरे को एक बात बताएंगे कि डर जो होता है, डर क्यों होता आता है हमारे मन में, जल्दी बताइए, क्यों हमें घबराहट होती है, क्यों हमें डर लगता है। जब हम एग्जामिनेशन के पहले जाते हैं, एग्जामिनेशन की सुबह सबसे ज्यादा डर लगता है, क्यों लगता है आपको मालूम है कि क्यों डर लगता है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा। बस सिर्फ इस वजह से डर लगता है, क्योंकि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आउटकम होगा। हमें लगता है कि यार हमने इतनी मेहनत करी है, ठीक, पता नहीं क्या सवाल आएगा। लेकिन जब आप ये सोच लेना कि अरे यार इतनी मेहनत करी है, जो सवाल आएगा देखा जाएगा, ठीक, तो मुकाबला करने से डर के ऊपर आप हावी हो जाते हैं, नहीं तो डर आप पर हावी हो जाता है। तो क्या करोगे, साहस के साथ जवाब दोगे। चलो पहला सवाल, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, मीड दिस स्टेज बिगिंस अराउंड द थर्ड ईयर, ड्यूरिंग विच द चाइल्ड बिगिंस टू अडॉप्ट डिफरेंट रोल ऑफ अडल्ट्स इन हिज और हर लाइफ।
उस स्टेज को क्या कहा जाता है? मीड का यह चरण तीसरे वर्ष के आसपास शुरू होता है, जिसके दौरान बच्चा अपने जीवन में वयस्कों की विभिन्न भूमिकाओं को अपनाना शुरू कर देता है। बताइए उस चरण को क्या कहा जाता है? पहला सवाल है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बदल चुका है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सबके आंसर मैं देख रहा हूं, गुड, काफी सारे लोगों के आंसर जो है सही जा रहे हैं। प्ले स्टेज होता है 3 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, जब बच्चा केवल नकल कर रहा होता है एडल्ट रोल की। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए कंप्यूटर जी। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर पायनियर्ड इन ड्रामेटिकल ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस? निम्नलिखित में से किस विचारक ने नाटकीय विश्लेषण का बीड़ा उठाया है? बताइए कौन से विचारक हैं जिन्होंने ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस दिया है। और स्टूडेंट शेयर करके आ जाओ जल्दी से, फेमिनिज्म वाले सवाल आने वाले हैं, बीच बीच में फेमिनिज्म वाले बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। सेकंड का आंसर दे दीजिए जल्दी से फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या है? एरविंग गॉफमैन, एरविंग गॉफमैन, ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस। इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब बताइए फेमिनिस्ट रिसर्च जो होते हैं, दैट एम्स एट, नारीवादी अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? सोच के समझ के आंसर दीजिएगा, आंसर आप कर पाएंगे, इतनी सोशियोलॉजी आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, घबरा के नहीं, सोच के समझ के आंसर दीजिएगा। थ्री का आंसर दीजिए। देखो कोई चीटिंग नहीं करेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एड्रेसिंग विमेन्स इश्यू विद विमेन्स पर्सपेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एड्रेस कर रहे हो विमेन के इशू को, लेकिन विमेन के ही पर्सपेक्टिव से। आप महिलाओं का मुद्दा उठा रहे हो लेकिन महिलाओं के नजरिए से, तो महिलाओं के नजरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट रिसर्च जो होता है वो महिलाओं के नजरिए से महिलाओं के मुद्दे को उठाना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हर्म्यूनिटिक्स इज नोन एज, हर्म्यूनिटिक्स को डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए हर्म्यूनिटिक्स क्या है? अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पूरा पिक्चर के साथ, ठीक, हर्मिस की कहानी भी मैंने आपको बताई थी, क्यों महारानियां अपनी लड़कियों को हर्मिस से बचा करके रखती थी, जो सुंदर लड़कियां होती थी उनको बचा करके रखा करती थी, उनसे छिपा करके रखा करती थी, ये भी मैंने आप लोगों को कहानी बताया था। बताओ जरा हर्म्यूनिटिक्स क्या है? कुछ बच्चे बहुत समझदार हैं, ठीक है, जिन्हें मैंने बार बार बताया था कि पहली लाइन से ही सवाल आया था, और देखो जरा पहली लाइन से ही सवाल आया था स्लाइड के, और मैंने बस थोड़ा सा घुमा दिया है। सोशियोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन भैया, पहली लाइन, परंपरा की व्याख्या का समाजशास्त्र, परंपराओं की व्याख्या करने वाला, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशन, कौन हर्म्यूनिटिक होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स घूम गए। क्वेश्चन नंबर 5, मैस्कुलिनिटी इज नॉट सिनोनिमस विथ, मर्दानगी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मैस्कुलिनिटी, पुरुष तत्व, पुरुषत्व, मेरे ख्याल से यही होगा स्पेलिंग, पुरुषत्व का तत्व कौन सा नहीं है? बताओ मैस्कुलिनिटी किससे रिलेटेड नहीं है, ये बताना है। बहुत कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है? मैस्कुलिनिटी रिलेटेड नहीं है इमोशंस से, ऑप्शन डी,
भावनाओं से मैस्कुलिनिटी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, करुणा दया ममता इससे रिलेटेड नहीं है। हु साइड रिलीजन एस्टेब्लिश पावरफुल परवेसिव लॉन्ग लास्टिंग मूड एंड मोटिवेशन इन मैन? किसने कहा कि धर्म अस्तित्व की एक समान व्यवस्था की धारणाओं को तैयार करके सभी पुरुषों में शक्तिशाली व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले मूड और प्रेरणा स्थापित करता है? यह आंसर आसान है, फटाफट से जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर लिखो यार, ऐसा ना करो। तो इसका सही आंसर क्या है? रिलीजन। ये क्लिफोर्ड गीर्स रिलीजन को भी एक सिंबल के टर्म में डिफाइन करते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डिवाइडेड डायग्नोस्टिक अकाउंट ऑफ आइडियोलॉजी इनटू इंटरेस्ट थ्योरी एंड स्ट्रेंथ थ्योरी? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बार बार लाया हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने विचारधारा के नैदानिक विवरणों को रुचि सिद्धांत और तनाव सिद्धांत में विभाजित किया है? किसने विचारधारा को रुचि सिद्धांत और तनाव सिद्धांत के रूप में विभाजित किया है? किसने आइडियोलॉजी को इंटरेस्ट थ्योरी और स्ट्रेंथ थ्योरी के रूप में डिवाइड किया है, विभाजित किया है? जल्दी बताइए फटाफट से आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्लिफोर्ड गीर्स। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म विमेन ऑप्रेशन इज ड्यू टू व्हाट? मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार महिलाओं के उत्पीड़न का कारण क्या होता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग, मार्क्सिस्ट नारीवाद के अनुसार महिलाओं का उत्पीड़न क्यों होता है और महिलाएं सह क्यों रही हैं? ठीक है, मिला जुला आंसर आ रहा है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। अरे भैया, कार्ल मार्क्स की बात हो रही है, मार्क्सिस्ट की बात हो रही है, तो इकोनॉमी समझ गए, मार्क्सिस्ट की बात हो रही है, इकोनॉमी पे जाओ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर्ड बाय एडमंड लीच? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एडमंड लीच ने लिखी है, बताइए। कौन सी पुस्तक एडमंड लीच ने लिखी है? क्या बात है, आप लोगों के कमेंट मुझे थोड़ा देर से आ रहे हैं। गुड। बाकी की पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। अरे इसको हटावा यार, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कल्चर एंड कम्युनिकेशन एडमंड लीच ने लिखी है। बाकी की पुस्तक किसकी है ये भी बता दो। देयर आर टू सेंट्रल आइडियाज इन एथनो मेथोडोलॉजी, वन इज इंडेक्सिकलिटी एंड अदर इज रिफ्लेक्सिविटी, बताओ। सॉरी, निर्वंश विज्ञान में दो केंद्रीय विचार हैं, एक अनुक्रमिकता और दूसरी रिफ्लेक्सिविटी। दोनों के डेफिनेशंस दी हुई है, देखिए बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। जल्दी से कोड से आंसर देख करके बताओ, और इसका आंसर मुझे देखना है, द क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि काल मैनेम ने आंसर दी, की बुक्स हैं वो बाकी तीन, ठीक है, इसका आंसर बताओ दसवें का। इसीलिए मैं बोलता हूं यार निधि, तुम लोग ना भाई, मैं ऐसे ही नहीं लेकर आया हूं ये सवाल, सबका निधि और राफिया के चक्कर में सबने गलत किया इसका आंसर, सबने, एवरीबडी इज रॉन्ग। आप लोग सोचते हैं कि यार सर तो मतलब कि क्वेश्चन बना देते हैं ऐसे ही, बस अब 10 क्वेश्चन हो गया, रहने दो अब,
ठीक है, मतलब किसी भी क्वेश्चन को मजाक में नहीं लेना है। फिर से खेल होगा, फिर से खेल होगा, इसका सही आंसर बताओ। अब क्या हुआ, दोनों सही हैं, तुम लोग यार कब सुधरोगे? ठीक, ये वाला हिंदी वालों को बस थोड़ा सा ये गलत हो गया है, हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक, इंग्लिश वाले जो आंसर, इंग्लिश वालों का आंसर जो है वो बहुत करेक्ट है, और हिंदी वालों का जो आंसर है वो बहुत इनकरेक्ट है। ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 11। जॉर्ज हर्बर्ट मीड सजेस्टेड दैट द सेल्फ डेवलप थ्रू थ्री स्टेजेस, दीज स्टेजेस ही कॉल्ड एज। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सुझाव दिया था कि आत्म जो सेल्फ है, स्व तीन चरणों में हमारा विकसित होता है, सेल्फ तीन चरणों में विकसित होता है। इन चरणों को उन्होंने क्या कहा है बताओ, इसका सही आंसर क्या है? रोल टेकिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग, भूमिका निभाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हु डिफाइंड इंप्रेशन मैनेजमेंट एज प्रोजेक्टिंग एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ आवर सेल्फ। किसने इंप्रेशन मैनेजमेंट को अपनी आदर्श छवि पेश करने के रूप में परिभाषित किया है बताइए। कंसीलिंग नंबर ऑफ एस्पेक्ट, जिसमें बहुत सारे पहलुओं को छिपा लिया जाता है, यानी मिस्टिफिकेशन। ठीक है, किस सही आंसर क्या है इसका? गॉफमैन। हु इज एसोसिएटेड टू द फेमस लेक्चर द क्लासिकल फेमिनिस्ट ट्रेडिशन, प्रसिद्ध व्याख्यान द क्लासिक फेमिनिस्ट ट्रेडिशन किससे संबंधित है बताइए। किसने क्लासिकल फेमिनिस्ट ट्रेडिशन लिखा है? 13th का आंसर दीजिए। और देखिए ये जो आंसर्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आप अपने मन से दीजिए, किसी की नकल मत कीजिए। 13th का आंसर अभी तक नहीं आया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पॉल फ्राई। ठीक है, पॉल फ्राई, पॉल फ्राई ने द क्लासिकल फेमिनिस्ट ट्रेडिशन लिखा था, लेक्चर था इनका पॉल फ्राई। किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। ठीक है, पॉल फ्राई। हु सेड सेल्फ रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड सोसाइटी शेप्स सेल्फ विच शेप्स सोशल बिहेवियर। किसने कहा था कि स्व जो है समाज को दर्शाता है, अर्थात समाज स्वयं स्व को आकार देता है, जो सामाजिक व्यवहार को आकार देता है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सबको मालूम होगा, जीएच मीड का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15। प्रिजुडाइज बिलीफ
दैट वैल्यू वन सेक्स ओवर अदर इज कॉल्ड एज पूर्वाग्रह की मान्यताएं जो एक लिंग को दूसरे लिंग के ऊपर महत्व देती हैं वो क्या कहलाती हैं। ठीक, जैसे हम अपने कल्चर को ऊपर रख करके दूसरे कल्चरों की तुलना करते हैं, वैसे ही एक सेक्स को जब आप सर्वश्रेष्ठ बना देते हो, दूसरे सेक्स को जब आप निम्न कर देते हो, उस तरह के दृष्टिकोण को, पर्सपेक्टिव को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, उसको सेक्सिज्म कहा जाता है। ग्रेट, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग? स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, ये किसकी किताब है? कार्ल मैनहेम। सबका गलत है, कार्ल मैनहेम की किताब है, सबका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू हेबरमास देयर आर थ्री काइंड ऑफ नॉलेज, ये भी मैंने जानबूझ के रिपीट किया है, विच इज नॉट अमंग देम। हेबरमास के अनुसार तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान उन्होंने नहीं दिया है? देख लेते हैं कितना आप लोगों को याद है, कौन से ज्ञान के बारे में बात उन्होंने नहीं की है हेबरमास ने। सब्जेक्टिव नॉलेज की बात हेबरमास ने नहीं करी है, ठीक है, विषय परक ज्ञान की बात हेबरमास नहीं करते। हु इज नोन एज फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट, प्रथम आधुनिक नारीवादी किसे कहा जाता है? फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट, प्रथम आधुनिक नारीवाद, यस, मैरी वॉल स्टोन क्राफ्ट, मैरी वॉल स्टोन क्राफ्ट को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस वॉज प्रपाउंडेड बाय विच थिंकर, अभ्यास का सिद्धांत किस विचारक ने प्रतिपादित किया है, जल्दी बताइए। और स्टूडेंट्स, यहां पे एक अनाउंसमेंट है कि स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, ठीक, तो स्कॉलरशिप टेस्ट जब आप पास कर लेते हैं तो काफी सारे लोगों को बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिंक आपको कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल के लिए क्या करना होगा? बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप भी उन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से अभी इसी वक्त उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था पियरे बोर्डियू। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, ये टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्सा बन गए हैं। आप बने हैं कि नहीं बने हैं अभी तक उसका हिस्सा? हु यूज्ड द टर्म पैट्रियार्कल गवर्नमेंट, पितृ सत्तात्मक सरकार शब्द का प्रयोग किसने किया है? और इस शब्द को अंग्रेजी वाला ही शब्द याद रखेंगे सब लोग, पैट्रियार्कल गवर्नमेंट ही याद रखेंगे हिंदी वाले भी। टेस्ट कैसे दोगे? टेस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप में चिल्लाता रहता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कर लो, नहीं करते हो। केट मिलेट ने यह शब्द सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केट मिलेट।
ठीक है, केट मिलेट। चलो क्वेश्चन नंबर 21, मैन इज बुर्जुआ एंड विमेन इज प्रोलिटेरियट, किसने कहा है? मनुष्य पूंजीपति है और महिला एक सर्वहारा वर्ग है, किसने कहा है? पुरुष पूंजीपति, पुरुष है ये, मनुष्य नहीं है ये, पुरुष है बच्चों। पुरुष ये होता है, पुरुष शायद, पुरुष पूंजीपति है, महिला सर्वहारा है, ये किसने कहा है ये बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ये कहा है हमारे फ्रेडरिक एंजल ने। भैया यार हर चीज कार्ल मार्क्स नहीं, अगर बुर्जुआ और प्रोलेटेरियट आ रहा है तो कार्ल मार्क्स नहीं है, एंजल है, फ्रेडरिक एंजल है, समझे? फ्रेडरिक एंजल, उनके दोस्त जिन्होंने फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखी थी किताब। चलो, हु कॉइंड द टर्म आइडियोलॉजी, सिंपल सवाल का सिंपल आंसर, विचारधारा शब्द किसने गढ़ा है सबसे पहली बार? स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर से दे दो, डिस्काउंट मिल जाएगा बहुत सारा, और वो टेस्ट से फायदा भी होता है कि नहीं? आपकी रैंक पता चलती है, फिर आपका जब सिलेक्शन होता है मजा आता है आप लोगों को, वो टेस्ट तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए कोई भी, चाहे वो स्कॉलरशिप टेस्ट हो, दुनिया कोई भी टेस्ट हो। किसने दिया ये? एंटोनी ड्यूसेट डे ट्रेसी, एंटोनी डेस्टेट डे ट्रेसी। अरे महाराज, आइडियोलॉजी शब्द सबसे पहली बार किसने दिया था? वो ट्रेसी ने दिया था, सब लोग का गलत। हु कॉइंड द टर्म फेमिनिज्म, नारीवाद शब्द सबसे पहली बार किसने दिया है? नारीवाद शब्द सबसे पहली बार किसने दिया है? आज हिल गए हैं सब। नारीवाद शब्द सबसे पहली बार चार्ल्स फूरियर, याद रखना, चार्ल्स फूरियर सबसे पहली बार नारीवाद शब्द दिया था इन्होंने, ठीक है, चार्ल्स फूरियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द ऑथर ऑफ द 1929 एसे अ रूम ऑफ वंस ओन? अ रूम ऑफ वंस ओन के लेखक कौन है? 1929 में ये किताब लिखी गई थी, अ रूम ऑफ वंस ओन, उस किताब के लेखक कौन है? सब फेमिनिज्म से रिलेटेड ये सवाल है, अ रूम ऑफ वंस ओन, इसका सही आंसर है वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ, रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ। इट इज अ हाइपोथेसिस दैट एक्सप्रेस नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, उसे क्या कहते हैं? ये एक ऐसी परिकल्पना है जो चरों के बीच कोई संबंध व्यक्त नहीं करती, ये चरों के बीच के जुड़ाव को नकारती है। तो इसका सही आंसर है नल हाइपोथेसिस, सबको पता है, कई बार आप लोगों पढ़ चुके हैं, शून्य परिकल्पना। हु बिलीव दैट इट इज इन द गेज दैट जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड और कॉन्स्टिट्यूटेड, कौन मानता है कि दृष्टिकोण के माध्यम से लिंग का गठन किया गया है? बताओ, सब पढ़ाया है, जेंडर शब्द का गठन दृष्टिकोण के माध्यम से किया गया है, यह कौन मानता है? जेंडर
बेटिना मैथ्यू, ठीक है, बेटिना मैथ्यू ने किया था। जेंडर ये सॉरी, इन्होंने कहा था, पढ़ाया है यार स्टेटमेंट, किताब खोल के देखो, मतलब स्लाइड खोल के देखो। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, ऑप्शन सी, कार्ल शिमिट। कार्ल शिमिट, ठीक है। हु इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ कल्चरल रिवोल्ट इन कोलोनियल सोसाइटी द नॉन ब्राह्मिन मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया? कल्चरल रिवोल्ट, कोलोनियल, इन कोलोनियल सोसाइटी, द नॉन ब्राह्मिन मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया, कार से कौन जुड़ा हुआ है, किसका ये वर्क है? और स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप, अगर आपने स्कॉलरशिप टेस्ट अभी तक नहीं लिखा है, लिख लीजिए, उस पर आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी फायदेमंद है, लेकिन अगर क्लास नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपका फायदा तो होना ही है, समझ गए? टेस्ट लिखने के लिए मिल रहा है इस समय, जितना ज्यादा टेस्ट आप लिखेंगे उतना फायदा होगा आपको, और वो तो पेपर वन से रिलेटेड भी टेस्ट है। गेल ओमवेट, गेल ओमवेट की किताब है ये, ठीक है। 29, विच सोशियोलॉजिस्ट कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एज लेटरल मोबिलिटी? किस समाजशास्त्री ने क्षैतिज गतिशीलता को पार्श्व गतिशीलता के रूप में देखा है? बताओ, क्षैतिज गतिशीलता को पार्श्व गतिशीलता के रूप में कौन देखता है? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को लेटरल मोबिलिटी के रूप में कौन परिभाषित करता है? सही जवाब इसका है एंथोनी गिडेन। सब मतलब कंफ्यूजन में कृत्रिम सोरोकिन लगा रहे हो यार। कृत्रिम सोरोकिन ने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोबिलिटी दी है, एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, दूसरा वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी के उन्होंने दो पार्ट्स बताए हैं, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, लेकिन इसका आंसर क्या है? एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को एक नया नाम देते हैं और वो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जो है वो लेटरल मोबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट सवाल। Who looked at institution as orderly set of relationship whose function is to maintain the society as system? अभी और सवाल है, सॉरी एक सवाल और है। किसने संस्थाओं को रिश्ते के व्यवस्थित सेट के रूप में देखा है जिसका कार्य समाज को एक प्रणाली के रूप में बनाए रखना है? बताओ, इंस्टीट्यूशन को वो क्या कहता है? ऑर्डरली सेट ऑफ रिलेशनशिप। संस्थाओं को वो क्या कहता है? एक रिश्तों का व्यवस्थित समूह, समुच्चय। कौन इस तरह से डिफाइन करता है? ठीक है, ऑप्शन डी, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, याद रखना। और आज का होमवर्क है, और काफी स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर कल्चरल डोप समझा दीजिए, तो मैं बोला कि चलो ठीक है यार, होमवर्क भी दे देंगे ना, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन भी कर देंगे दूसरे दिन। आपको इसका वीडियो फॉर्म में लेक्चर आपको मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, बता जी। भले ही रॉन्ग हुए हो लेकिन आंसर तो बताओ, मतलब स्कोर तो बताओ। सबनम के अभी भी 25 तो आ ही रहे हैं, वेरी गुड। तो टेलीग्राम चैनल जो है बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर,
ये आपके बंद किस्मत के ताले को खोलेगा ये टेलीग्राम चैनल, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक, एनरोल करना है तो 9241333666 पर कॉल कर लो या 9650052904 पर कॉल कर लो। राजलक्ष्मी 25, राजलक्ष्मी अब 21, दो राजलक्ष्मी हो गई हैं। अच्छा, रूबी ओझा 21, काजल 23, निधि 23, बलवंत 21, दीपक 20, किरण 21, सारिका 24, सपना 25, साना 24, बिंदु 2, ये कैसे, जया 26, बिंदु 27, अच्छा, मानसी 21, राजलक्ष्मी 25, राफिया 24, कोमल 26, अनामिका 24, अनु 23, रोजीना 16, दीपमाला 22, साक्षी 23। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया। बाय बाय। सुशीला 21, रामशंकर 24। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लग के पढ़ाई कीजिए। अगर सोशियोलॉजी में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। बाय बाय।